मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सॉलिड स्टेट के पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो एकक कोष्ठिका है उसमें उपस्थित परमाणु जो है उसका कंट्रीब्यूशन, उसकी सहभागिता उस पूर्ण रूप से उस एकक कोष्ठिका में कितनी होती है। यहाँ पे कॉर्नर पे लिखा हुआ आपका पोजीशन और कंट्रीब्यूशन। पोजीशन मतलब कॉर्नर पे एटम है तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 1/8। फेस पे है तो 1/2 और सेंटर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 होगा। अच्छा, उसके बाद है जैसे अगर मैं अगर हम चाहते हैं कि आधे घनी एकक कोष्ठिका या जिसको बोलते हैं कॉर्नर क्यूबिक यूनिट सेल, तो कॉर्नर क्यूबिक यूनिट सेल में जो जेड इफेक्टिव या जेड जो परमाणुओं की संख्या या इस एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या अगर हमको कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है कि जो आधे घनी एकक कोष्ठिका है, डिफिनेशन पहले बताया जा चुका है कि आधे घनी एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण होते हैं वो इस घन के जो अवयवी कण है वो घन के कोनों पे उपस्थित होते हैं। और आपको पहले ही पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एक घन में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। तो यहाँ पे जो ये स्फेरिकल जो बॉल्स आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या है, एटम्स है, या ऐसे कहिए कि सारे एटम्स परमाणु या आयन है जिनको हम कहते हैं अवयवी कण। तो जो कॉर्नर क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें सभी कॉर्नर पे सभी कोनों पे एक एक एटम उपस्थित है और टोटल कोनों की संख्या कितनी है, 8। तो 8 टोटल आधे घनी एकक कोष्ठिका में परमाणु कॉर्नर एटम्स की संख्या कितनी है, 8। और आपको पता है कि एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। तो टोटल एटम 8 है तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 8 × 1/8। अब 8 × 1/8 = 1। तो मतलब आधे घनी एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या या जिसको हम बोलते हैं जेड इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इसको ऐसे समझिए कि इस एकक कोष्ठिका में टोटल कितने कितने कोने हैं, तो टोटल कोने कितने हैं, 8। और कोने में जो एक एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। तो इस तरीके के 8 एटम है तो 8 एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 8 × 1/8 = 1। तो आधे घनी एकक कोष्ठिका में टोटल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अच्छा, दूसरा जो एकक दूसरे प्रकार की जो घनी एकक कोष्ठिका के बारे में आपको पढ़ना है उसको हम बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप एक क्यूब बनाइए। ये आप पिछले लेक्चर में आपको जब डिफिनेशन बताया गया है तो बस डिफिनेशन बताया गया है, डायग्राम आपको यहां से मिल जाएगा। आप डायग्राम यहां से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो देखिए, आपको पता है कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें एटम्स जो होते हैं वो फेस कॉर्नर पे होते हैं और कॉर्नर कितने हैं, 8, प्लस हर एक फेस पे भी एटम होता है तो फेस कितने होते हैं टोटल, 6। अच्छा, आपको पता है कि अगर इसमें जेड कैलकुलेट करना, तो सबसे पहले इन एटम्स को मैं दिखा रहा हूं कि यहाँ पे कॉर्नर पे हमेशा एक एटम होगा तो टोटल कॉर्नर एटम्स कितने हो जाएंगे, 8 एटम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है उसमें कॉर्नर पे एक एक एटम होगा ही होगा, साथ में प्रत्येक फलक के केंद्र में भी एक एटम होगा। आपको पहले बताया जा चुका है कि जो एक जो घनी एकक कोष्ठिका होती है उसमें टोटल 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस के बीच में बिल्कुल सेंटर में हमेशा क्या होगा, एक एटम होगा। तो इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ये सबसे ऊपर वाले फेस पे एक एटम है, जो बिल्कुल इस फेस के नीचे है उस पे एक एटम है, फिर आप इस साइड में भी एक एटम है, इस यहाँ पे भी एक एटम है, ये वाला जो एटम है बिल्कुल पीछे वाले फेस के लिए है और ये वाला जो एटम है वो बिल्कुल सामने वाले फेस के लिए है। तो टोटल कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, तो कितने एटम्स हो गए, 6 एटम्स हो गए। अगर हम इसका जेड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि कॉर्नर पे कितने एटम है, 8 एटम्स है और कॉर्नर के एटम का कंट्रीब्यूशन कितना, 1/8 हो जाएगा, 8 × 1/8 प्लस फेस कितने हैं, 6, और फेस पे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना, 1/2, 6 × 1/2, यहां से आपको मिलेगा 1 + 6/2 = 3, तो जेड इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 4। इसका मतलब यह है कि एक फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कणों की संख्या या जिसको हम जेड बोलते हैं वो कितना होता है, 4 होता है। अच्छा, एक प्रकार की और एकक कोष्ठिका के बारे में आपको पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका। इसको हम बोलते हैं अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका।
या इसी को हम बोलते हैं बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आपको पता है जो अंतःकेंद्रित घनी एकक कोष्ठिका होती है उसमें हमेशा कॉर्नर पे एक एटम होगा और बिल्कुल इस यूनिट सेल के बिल्कुल अंतःकेंद्र जिसको हम बोलते हैं इन सेंटर में भी क्या होगा, एक परमाणु होगा। तो इसका अगर डायग्राम की बात करूं तो कॉर्नर पे एटम्स होंगे ही होंगे। तो कॉर्नर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 कॉर्नर, और बिल्कुल इस पूरे एकक कोशिका के बिल्कुल केंद्र में भी एक एटम होगा। तो इसमें हमको कैलकुलेट करना है जेड इफेक्टिव, या जिसको हम बोलते हैं जेड। तो आपको पता है कि इसमें जो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें कॉर्नर कितने हैं, 8 कॉर्नर एटम है, 8 कॉर्नर एटम प्लस 1 बॉडी सेंटर्ड एटम, या बॉडी 1 इन बिल्कुल इसके सेंटर में है, 1 एटम इनसाइड द सेंटर है। तो इसमें अगर जेड कैलकुलेट करना चाहते हो आप, तो आपको पता है कि जेड जो कॉर्नर एटम है कितने हैं, 8, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, वहां पे लिखा हुआ है 1/8 प्लस सेंटर, सेंटर एटम कितना है 1, तो 1 और सेंटर पे स्थित एटम का जो सहभागिता है कितना, कंट्रीब्यूशन 1 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 1 + 1 = 1, तो जेड इक्वल टू आपको मिलेगा 2। तो इस प्रकार से हमने किसी तीन प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की संख्या हमने क्या की है, ज्ञात की है। और जो इन्हीं तीनों के बारे में आपके एनसीईआरटी में जो है इन तीन प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं में जेड का कैलकुलेशन दिया हुआ है। अच्छा, एक और हेडिंग था आपको पता है कि जिसको हमने बोला था अंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका। जब हमने एकक कोष्ठिका को क्या किया था, दो भागों में बांट के अध्ययन किया था, तो एक था अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसका डायग्राम बस बनाना आपको, तो जो अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है आपको पता है इसके कॉर्नर पे हमेशा एक एटम होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉर्नर पे एक एक एटम दिखा दीजिए, तो टोटल कॉर्नर पे कितने एटम हो जाएंगे, 8। और अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका आपको डिफिनेशन बताया गया है कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें कोनों के हर एक कोने पे एक एटम होता है और साथ ही साथ दो विपरीत फलकों के सेंटर में भी एक एक एटम होता है। तो बस आपको इसको डायग्राम बनाना है, इसको अगर आप व्यवहारिक रूप में समझना चाहते हो तो समझिए ये कोई क्यूब है जिसके जो क्या अगर अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका इसको होना है तो कॉर्नर पे हमेशा एक एक एटम कॉर्नर पे होंगे। और साथ ही साथ अगर मतलब दो विपरीत फलक, विपरीत फलक फलक का मतलब ये है कि अगर एक फलक ये वाला है तो बिल्कुल इसके अपोजिट यहाँ पीछे वाला जो फलक है उसको हम क्या कहेंगे, विपरीत फलक कहेंगे। तो एक एटम यहाँ और एक एटम बिल्कुल इसके अपोजिट वाले फेस पे होता है।